चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमन की स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किसी प्रेग्नेंट लेडी की जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, ग्लो करने लगती है, टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाता है। वहीं पर किसी लेडी के साथ क्या होगा, उसकी स्किन जो है डल होने लगेगी, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, डार्क सर्कल्स आएंगे, जो है एक्नेज या पिंपल्स निकलने लगेंगे। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान पिंपल्स आने लगे हैं, स्किन जो है डल लगने लगी है, तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या स्किन केयर जो है रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है हेल्दी और ग्लोई बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक जरूर करें। एक चीज याद रखिए, हमारा जो फेस है उसकी जो स्किन है वो हेल्दी लगे, ग्लोई लगे, इसके लिए आपको उसकी आउटर केयर तो करनी है, साथ ही साथ अपनी बॉडी की इनर केयर भी करनी है। क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं, इसीलिए स्पेशली प्रेगनेंसी में, वैसे तो जनरली भी करना होता है लेकिन प्रेगनेंसी में आपको अपने स्किन की आउटर केयर तो करनी है, साथ ही साथ अपनी बॉडी की इनर केयर भी करनी है। अपनी स्किन की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्पेसिफिक और अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। अब देखिए, जनरल लाइफ में हम इतना ज़्यादा कई बार ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्किन केयर रूटीन को अच्छे से फॉलो करें और उसमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और दूसरा क्या है कि अगर इस टाइम पे हमारी स्किन डल, पैची हो गई, डार्क सर्कल्स आ गए, पिंपल्स आ गए, तो इसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और आप जो है परेशान हो जाओगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी आप देखोगे कि ये चीज़ कंटिन्यू उठती रहेगी। मैंने जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले वाव का जो विटामिन सी रेंज है उसको अपने स्किन केयर में जो है इंक्लूड किया है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूं। मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको अपनी स्किन की जो आउटर केयर करनी है, यानी कि जो आपका स्किन केयर रूटीन है, उसमें आपको किस तरीके से अपनी स्किन की केयर करनी है। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है एक अच्छे से फेस वॉश से, अपने चेहरे को साफ करके। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने चेहरे को एक फेस वॉश से धोते हैं तो आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज, डर्ट, ऑयल है वो निकल जाती है। वाव का जो ये विटामिन सी फेस वॉश है, इसकी पैकेजिंग जस्ट वाव है। क्योंकि क्या है कि इससे जब आप सर्कुलर मोशन में, इस ब्रश से आप जब अपने चेहरे पे सर्कुलर मोशन से फेस वॉश अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट भी होती है, तो और अच्छे इफेक्ट आपको मिलते हैं। वाव का जो ये फेस वॉश है ये सिलिकन फ्री है, पैराबीन फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। इसके साथ क्या है, इसका रेगुलर यूज जब आप करेंगे तो आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाती है, स्किन ग्लोई फील होती है, और जितनी फाइन लाइंस होती हैं वो आप देखोगे धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने स्किन रूटीन में इसको जरूर ऐड करें। फेस वॉश से अपना फेस धोने के बाद आप जो है उसको एक अच्छे से साफ सुथरे टॉवल से अपनी स्किन को ड्राई कर लें, और उसके बाद आप अप्लाई करें एक अच्छा सा टोनर। टोनर अप्लाई करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इंस्टेंटली फील करोगे कि आपकी स्किन जो है रिफ्रेश फील कर रही है, और ये वाला टोनर जो है इसमें सिट्रसी फ्रेग्रेंस है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेकेंड स्टेप में आपको एक टोनर अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अपने फेस पर एक अच्छा सा सीरम अप्लाई करना है। इस सीरम की अच्छी बात ये है कि आपको मैक्सिमम जो है 3 ड्रॉप्स चाहिए होंगी अपना पूरा फेस कवर करने के लिए। 2 और 3 ड्रॉप्स में आपका पूरा जो फेस है वो हाइड्रेटेड हो जाता है और स्किन जो है वो नरिश्ड रहती है। फेस सीरम अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर वेट करें ताकि जो फेस सीरम है आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको अपने फेस पे लगानी है एक अच्छी सी क्रीम। अगर आप चाहें तो आप इस जो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको सीरम से ही जो है हाइड्रेशन मिल जा रहा है, आपकी स्किन जो है नरिश्ड फील कर रही है, हाइड्रेटेड फील कर रही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि 4 स्टेप भी आप फॉलो करें और अच्छी सी फेस क्रीम अपने स्किन पे आप ज़रूर अप्लाई करें, ताकि थ्रू आउट नाइट, या अगर हम दिन की भी बात करें तो 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट आपकी स्किन जो है अच्छे से नरिश्ड रहे
और हाइड्रेटेड रहे। तो ये तो हो गया कि हम अपनी स्किन की बाहरी तौर से कैसे केयर करेंगे, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी की इनर केयर कैसे करेंगे ताकि हमारी स्किन जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अच्छी रहे। इसके लिए आपको पहली चीज़ जो करनी है, आपकी गायनी ने अगर आपको कोई भी मल्टी विटामिन्स या विटामिन्स के सिरप दिया है, कैप्सूल दिया है, टैबलेट्स दिए हैं, कुछ भी दिया है उसने, वो आपको रेगुलरली लेना है बिना स्किप किए। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, वॉमिटिंग आ रही है, लेकिन आपको ये लेना है ताकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो आपको फ्यूचर में ना भुगतने पड़े। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर प्रेगनेंसी में स्किन आपकी खराब हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो आगे तक भी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी डाइट में आपको विटामिन सी और विटामिन ए से रिच जो है फ्रूट्स लेने हैं। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जो वाव का विटामिन सी रेंज है वो बताया, क्योंकि ये दोनों जो विटामिन है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो कैरेट जो है उसका जूस आप ले सकते हो, ऑरेंज जूस आप ले सकते हो। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मौसमी का जूस बहुत ज़्यादा पिया था और मेरी स्किन जो है बहुत अच्छी रही थी। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान मेरी स्किन इतनी अच्छी थी कि लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि मैं क्या करती हूँ कि मेरी स्किन इतनी अच्छी रहती है। तो ये जूस अपने डाइट में इंक्लूड करें। जूस पीना पसंद नहीं है तो फ्रूट के फॉर्म में, क्योंकि ऑरेंज आप खा सकते हैं, मौसमी जो है आप ले सकते हैं, इसके अलावा कैरेट जो है आप वैसे खा सकते हैं, और इसके अलावा अपने डाइट में जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, क्योंकि आयरन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नो डाउट आपको सबको पता होगा कि कितनी अच्छी रहती हैं, अभी विंटर्स चल रही है तो इजीली मिल जाती है। तो अच्छे से जो है आप पालक लीजिए, मेथी, बथुआ, ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहे पराठे के फॉर्म में लें, सब्जी के फॉर्म में लें, पनीर आप खाएं, आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने हीमोग्लोबिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल कम है तो आपको क्या करना है, अनार का जूस आप पिए, इसके अलावा आप अनार एज अ फ्रूट ले सकते हैं और अपना हीमोग्लोबिन रेगुलरली चेक कराते रहें। क्योंकि क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन कम होने लगता है आपकी स्किन अपने आप डल लगने लगेगी, पैची लगने लगेगी, ड्राई होगी। तो इसीलिए आप क्या करें, रेगुलरली अपना हीमोग्लोबिन को चेक करें और साथ ही साथ अनार को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा आपको अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, जिसके लिए आपको क्या है, अच्छे अमाउंट में यानी कि एडिक्वेट अमाउंट जो है उसमें पानी पीना है। इसके अलावा कोकोनट वाटर पिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आपको क्या करना है, लोशन अप्लाई करना है अपनी होल बॉडी पर। फेस का मैंने आपको बता दिया शुरू में, अपनी बाकी रिमेनिंग जो बॉडी है उस पर आप लोशन अप्लाई करें। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट और कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बादाम ऑयल जो होता है उससे आप अपने लेग्स पे, हैंड्स पे, बैक पर, फ्रंट एरिया जो है उससे मसाज करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। पिंपल्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो नीम की पत्ती होती है ना उसका पेस्ट आप बनाएं और जहाँ पर आपको पिंपल्स आए उस पर अप्लाई करें। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है कि आप जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है ना, आपके यहाँ अगर प्लांट लगा हुआ है या नेबर में है तो उससे आप जो एलोवेरा जेल है उसे एक्सट्रैक्ट करें और अपने पिंपल्स पर आप अप्लाई करें। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और डेफिनेटली ये काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान डार्क सर्कल्स होना बहुत कॉमन है, क्योंकि कई वीमेन जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, तो जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। ऐसे में आपको रिकमेंड करूंगी, कोशिश करिए एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद लेने के लिए, और जितना आप ले पाएं रिलैक्स आप करें। इसके अलावा अगर डार्क सर्कल्स आ गए हैं तो अंडर आई क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप लगा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहती है, अलग अलग ब्रांड्स की अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे हो तो आप क्या करें, बादाम को घिसकर एक पेस्ट बना लें और अपने आई के नीचे जो अफेक्टेड एरिया उस पर लगाएं। रेगुलर यूज से आप देखोगे कि जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो कम हो जाएंगे। नींद आपको पक्का से लेनी है और आप आराम करें। प्रेगनेंसी का जो ये फेज है ना, इसको आप थोड़ा सा मी टाइम वाला कंसिडर करिए, अपने आप को दीजिए। इसके बाद लास्ट जो सजेशन मैं देना चाहूँगी वो आपको जो टमी है उससे रिलेटेड। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बेबी बम्प का साइज बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, तो अब क्या होता है, बेबी बम्प यानी कि जो आपकी टमी का एरिया है वहाँ की स्किन स्ट्रेची हो जाती है, पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, तो ऐसे में उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी शुरू से ही आप अपने टमी एरिया पे लोशन लगा लीजिए, बादाम ऑयल लगा लीजिए, शिया बटर आता है वो लगा लीजिए,
या फिर एंटी स्ट्रेच मार्क जो ऑयल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, वो अप्लाई रख करें और अपनी स्किन को जो है हाइड्रेटेड रखें, ताकि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनके आने के चांस कम हो। जो लोग अपने स्किन के जो टमी की जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखते हैं, उनके केस में कम हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क्स का आना। तो इस वाली टिप को आप जरूर ध्यान रखिए। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने स्किन की बाहरी तौर से और अंदर से केयर करें, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन में पिगमेंटेशन के, पिंपल्स की, डार्क स्किन, पैची स्किन, पिगमेंटेड स्किन, डार्क सर्कल्स, इन सबकी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाह रहे हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फटाफट से आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी।